Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about M.Tech admission in IIT without GATE score and GATE rank. Friends, बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो लोग per year GATE exam देते हैं, but उन लोगों का जो GATE score होता है, जो GATE rank होती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती कि जिस रैंक के बिहाफ पे वो लोग या जिस गेट स्कोर के बिहाफ पे वो लोग फर्दर आईआईटी से अपना एमटेक कोर्स कर सकें. और फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, बट उन स्टूडेंट्स की ये विश होती है कि वो लोग आईआईटी से अपना एमटेक कोर्स करें. तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ वेज के बारे में डिस्कस करूंगा जिन वेज के थ्रू अगर आप लोगों का गेट एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं है या स्कोर अच्छा नहीं है तो आप लोग आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप लोगों की बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, तब भी आप लोग इन सभी वेज के थ्रू किसी भी आईआईटी से अपना एमटेक कोर्स कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें. और ये जो वेज हैं जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इन सभी वेज पे आप लोग बिल्कुल भी आंखें बंद करके विश्वास न करें. आप लोग इन सभी वेज के बारे में किसी अपने प्रोफेसर से या किसी अपने बैचमेट से या किसी अपने कलीग से या जो आप लोगों का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसको आप लोग अपनी स्टडी में या अपने एरिया में आप लोग सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं, उससे आप लोग एक बार जरूर डिस्कस करें इन सभी वेज के बारे में. और आप लोग अपने कॉलेज में भी किसी प्रोफेसर से इन सभी वेज के बारे में अच्छे से आप लोग कंफर्म करें, देन उसके बाद ही आप लोग इन सभी वेज के थ्रू आईआईटी में एमटेक में एडमिशन लेने का आप लोग सोचें और आप लोग आगे फर्दर कोशिश करें. तो फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली होगी. अब हम लोग यहाँ पे कुछ वेज के बारे में बात करेंगे. और ये जो सभी वेज हैं, इन वेज को मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने ढूंढा है, मैंने सर्च किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं. तो फ्रेंड्स, जो एडमिशन है किसी भी आईआईटी में इन वेज के थ्रू जो आप लोगों को मिलेगा या जो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी आईआईटी कब आप लोगों को कॉल कर रही है एमटेक एडमिशन के लिए, अगर आप लोग विदाउट गेट स्कोर या विदाउट गेट रैंक आप लोग एमटेक एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी आईआईटी में, वो आप लोगों को पता चलेगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू. ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलेगा या फिर कोई नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा. और ये आप लोगों को बहुत सारी साइट्स पे जो जहाँ पे जैसे कि बहुत सारी ऑफिशियल साइट्स होती है वहां पे भी आप लोगों को पता चल सकता है, गूगल पे आप लोगों को पता चल सकता है, या फिर आप लोगों को उस एक आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पता चल सकता है. तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया. और फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई अलग से कॉल नहीं आएगी, आप लोगों को सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलेगा या आप लोगों को गूगल न्यूज के थ्रू वहां पे पता चल सकता है. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट वे की. जो फर्स्ट यहाँ पे वे है वो वे है अगर आप लोगों ने अपना बीटेक कोर्स सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी से किया है और आप लोगों का जो सीजीपीए है वो 8.0 है या 8.0 से अबव है. बीटेक में जो आप लोगों का फोर ईयर का जो बीटेक प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, उसमें अगर आप लोगों का सीजीपीए फोर ईयर का ओवरऑल जो सीजीपीए अगर वो 8.0 है या 8.0 से अबव है तो आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं एमटेक के किसी भी आईआईटी में और यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू जाके दे सकते हैं. और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. और स्कॉलरशिप आप लोगों को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स गेट के थ्रू एमटेक एडमिशन लेते हैं किसी भी आईआईटी में उनको एमएचआरडी गेट के थ्रू 12,400 रुपीज पर मंथ उनको देता है, बट आप लोग विदाउट गेट वहां पे जा रहे हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आप लोगों को वहां पे अपनी जो ट्यूशन फी है वो वहां पे देना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट वे. सेकंड वे पे बात करते हैं, वो है कि अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जहां से आप लोगों ने अपना बीटेक कोर्स किया अगर आप लोग वहां पे टॉप 10 स्टूडेंट्स में हैं, ठीक है, अपनी क्लास में अगर आप लोग टॉप 10 स्टूडेंट्स में हैं तो फ्रेंड्स अपने बीटेक कोर्स में,
तो आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं एमटेक के किसी भी आईआईटी में, और आप लोगों को वहां पे भी किसी गेट स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, या आप लोगों का वहां पे अगर गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या आप लोगों का गेट स्कोर वहां पे नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता। बट यहां पे भी ये है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और ट्यूशन फी आप लोगों को यहां पे करनी पड़ेगी खुद से, सेल्फ से आप लोगों को ट्यूशन फी यहां पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड वे था। नेक्स्ट जो वे है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास में 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने कहीं पे टीचिंग कराया है, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं बीटेक के बाद आप लोग उनमें पढ़ा सकते हैं, उनमें टीचिंग करा सकते हैं। तो अगर किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोगों ने बीटेक के बाद पढ़ाया है और आप लोगों के पास में 2 साल का 2 ईयर का आप लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो इस केस में भी अगर आप लोग किसी आईआईटी में एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग एमटेक कोर्स करने जाते हैं, आप लोग भले किसी भी ब्रांच से हो, तो आप लोगों को यहाँ पे गेट स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट यहाँ पे भी यही है कि आप लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती है गेट के थ्रू, MHRD जो आप लोगों को देता है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, और यहाँ पे भी आप लोगों को ट्यूशन फी आप लोगों को देना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ा रहे थे, भले वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, भले वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो या प्राइवेट पॉलिटेक्निक हो, वहां से आप लोगों को 2 ईयर का लीव लेना पड़ेगा और आप लोग लीव पे जाएंगे। और ट्यूशन फी का ये हो सकता है कि वो जो ट्यूशन फी है उस आईआईटी में एमटेक का, वो आप लोगों को वहां पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग वहां से जिस इंस्टीट्यूशन में आप लोग अगर जिस इंस्टीट्यूशन से आप लोग वहां पे जा रहे हैं, अगर वो आप लोगों को वहां पे फंड वहां पे आप लोगों को स्पॉन्सर करे, ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। और ऐसा होता है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग जा रहे हैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद, वो आप लोगों को आप लोगों की जो एमटेक है वो स्पॉन्सर करे, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा जो ट्यूशन फी होता है वो आप लोगों को वो इंस्टीट्यूट देता है, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आप लोग जो है अगर किसी इंडस्ट्री में आप लोगों ने वर्क किया है, वो इंडस्ट्री भी आप लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप पे उस आईआईटी में आप लोग जहाँ पे जा रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे भी आप लोगों को गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इस जिस भी आईआईटी में आप लोग जा रहे हैं, इस आईआईटी की जो ट्यूशन फी है या वहाँ पे रहने का जो खर्च है, तो हॉस्टल का, खाने का, वो सब आप लोगों को वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है। तो इंडस्ट्री से आप लोगों को 2 साल की 2 ईयर की आप लोगों को लीव लेके जाना होता है, और आप लोग इंडस्ट्री की स्पॉन्सरशिप पे वहां पे अपना एमटेक करते हैं 2 साल का, और यहां पे भी आप लोगों को गेट स्कोर रिक्वायर नहीं होता। तो ये 2 वे हैं, और फ्रेंड्स इन वेज के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। और ये जो 2 वे हैं इनको बोलते हैं स्पॉन्सर कैटेगरी एमटेक या स्पॉन्सर कैटेगरी एमटेक ऑप्शंस, ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ये जो प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम के थ्रू आप लोग जाते हैं एमटेक करने आईआईटी में, स्पॉन्सरशिप वाला जो प्रोग्राम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के थ्रू ही आप लोगों का एडमिशन होता है, और इस प्रोग्राम में जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो आप लोगों को उस एक इंस्टीट्यूशन से मिलती है जहां पे आप लोगों ने 2 साल टीचिंग कराया है, फिर उस इंडस्ट्री से मिलती है जहां पे आप लोगों ने 2 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है इंडस्ट्री का। तो फ्रेंड्स इन केस में भी, दोनों केस में अगर आप लोग एमटेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एमटेक जो आप लोगों का होता है वो यहाँ पे होता है अंडर प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग इन 2 वेज के थ्रू जाते हैं या इन 2 तरीकों के थ्रू आप लोग जाते हैं इंडस्ट्री से या फिर किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी फुल टाइम ही एमटेक होती है, ये हमारा यहाँ पे तीसरा मैंने वे आप लोगों के साथ में, 3rd वे मैंने डिस्कस किया इन डिटेल। अब हम लोग अपने 4th वे पे चलते हैं, वो है हमारा अगर आप लोगों ने बीटेक किसी आईआईटी से किया है और वहां पे आप लोगों का जो 4 ईयर का ओवरऑल सीजीपीए अगर वो 8.0 है और आप लोग डायरेक्ट आप लोग के पास में कोई गेट का स्कोर नहीं है, तो फिर भी आप लोग डायरेक्ट जो है किसी आईआईटी में जाके एमटेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो आईआईटीएन है या जो आईआईटी से बीटेक किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग पार्ट टाइम एमटेक कर सकते हैं, पार्ट टाइम एमटेक आप लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही आप लोग कर सकते हैं। ये सभी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी एमटेक करने की किसी भी आईआईटी में, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मिलेगी। और आप लोग जो पार्ट टाइम एमटेक कर सकते हैं वो आप लोग कर सकते हैं
विदाउट एनी गेट स्कोर, विदाउट एनी गेट रैंक। इसमें भी आप लोगों के पास में अगर गेट स्कोर नहीं है, गेट रैंक नहीं है तो चलता है और चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम होता है पार्ट टाइम जो आप लोग एमटेक करते हैं, ये प्रोग्राम आप लोगों का होता है PGDIIT प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोग डायरेक्ट एमटेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूं। और ये सभी तरीके आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, आई होप सो। और आप लोग इन तरीकों पे आप लोग जो है बिल्कुल भी आंखें बंद करके विश्वास मत करें, आप लोग अदर भी किसी पर्सन से आप लोग जरूर कांटेक्ट करें और इन सभी वेज के थ्रू आईआईटी में एमटेक होता है या नहीं होता है इसको आप लोग फर्स्ट कन्फर्म करें, देन आप लोग किसी भी आईआईटी से आप लोग इन सभी वेज के थ्रू अपना एमटेक करें। अगर आप लोगों का गेट क्वालिफाई नहीं हुआ या आप लोगों के पास में गेट का स्कोर नहीं है, गेट की रैंक आप लोगों के पास में नहीं है। और फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पर ईयर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक वहां पे नहीं ला पाते और वो फिर निराश वहां पे हो जाते हैं, उनका मोरल वहां पे डाउन हो जाता है, उनके अंदर जो एक एनर्जी होती है वो वहां पे बहुत डाउन हो जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं फिर कुछ वहाँ पे अलग टाइप का सोचने लगते हैं और उनका जो माइंड है वो सही से वहाँ पे काम नहीं करता। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल भी आप लोगों को वहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है और इन सभी वेज के थ्रू आप लोग ट्राई करो, आप लोगों को एमटेक वहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।